गिरिडीह के उपनगरी पचम्बा क्षेत्र के कल्याणडीह में रविवार को वन प्रक्षेत्र पूर्वी वन प्रमंडल की ओर से जंगल को आग से बचाने को लेकर जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन सदर विधायक सुदेव कुमार सोहू, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, डीएफओ पूर्वी व डीएफओ पश्चिमी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम में पूर्वी वन प्रमंडल के वनपाल और वन रक्षी भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्राओं ने पर्यावरण के प्रति संरक्षण को लेकर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को महुआ चुनने के लिए बारी बारी से नेट दिया गया। मौके पर इलाके के कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। अरे ये क्या कर रहे हो आप क्यों जला रहे हैं? मतलब इस रहे हैं ये पेड़ पौधे और पक्षी को नुकसान पहुंचा रहे हैं आप। यहाँ पर बंधन है, आप सभी का बंधन है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पार्ट है, इस भावनाओं को मीटिंग में पहुंचना चाहिए कि क्षतिपूर्ति वन हम लोग गर्मजरुआ में लगा के आपको देते हैं। जो बफर या इको सेंसिटिव में आपकी जमीनें हैं, फॉरेस्ट की जो जमीनें हैं, अगर उसमें हम क्षतिपूर्ति वन लगाते हैं तो अपने कोर एरिया को बचाने में, बफर एरिया को बचाने में हम लोगों का प्रयास ज़्यादा कारगर और कामयाब होगा। तो आज बहुत बढ़िया कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर मैंने भी प्रयास किया है। किसी एक बड़ी कंपनी के CSR से कुछ हम लोगों ने नेट मांगे हैं, जो कि पारसनाथ खूबटाड़ के इलाके के एंट्री लेवल जो विलेजेस हैं उस विलेजेस में हम लोग बांट सकें और लोगों को इस बात के लिए जागरूक कर सकें कि आप थोड़ा सा महुआ चुनने के लिए जो आग लगा देते हैं, जितने का महुआ नहीं होता है उसका 50 गुना या 100 गुना वन की संपत्ति को नुकसान हो जाता है। हम कोई पिकनिक वगैरह का कार्यक्रम करते हैं या सड़क से गुजर रहे हैं, सिगरेट पीते हैं, फेंक देते हैं। अभी गर्मी का समय है, वो एक चिंगारी जो है आग के रूप में बदल जाती है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। और अभी जो मार्च और अप्रैल में खासकर महुआ चुनने के लिए जो पेड़ के नीचे पत्तों को साफ करते हैं, उस साफ करने को देर से आग लगा देते हैं कि आग फैलेगी नहीं। कुछ आग लोग बुझा भी देते हैं लेकिन कुछ आग रह जाती है जो धीरे धीरे आसपास के जंगलों में फैल जाती है, इससे काफी हमें नुकसान होता है। कविता मेडिसिन पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए कई प्रसिद्ध डॉक्टर यहाँ अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ मिलती हैं या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन्स के गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं, कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और बोडो। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म, कुष्ठ, गुप्त व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान, नाक व गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, बेंगलुरु से आई स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकिता राय, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन्स, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं।